का विकास नहीं हो पाता, इस तरह की चीजें जो है जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, तो इससे क्या होता है कि हमारे लोगों को सही में ऐसा फील होता है कि सच में आरक्षण, सरकार ने हमको आरक्षण दे के रखा हुआ है, इस कारण से ही हमारा विकास हो रहा है। लेकिन आपको मैं खुलकर ये बता दूँ, ठीक है, मैं खुल के बता दूँ कि आज़ादी, ठीक है, सबको ये खबर है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन भारत के संविधान लागू होने के पहले भी आपके जो है इलेक्शंस होते आए थे, जो ब्रिटिश इंडिया थी जहाँ पे अंग्रेज़ों ने शासन किया था। अंग्रेज़ों ने जब शासन किया था हम पर, तो वो डायरेक्ट शासन नहीं किया था, वो बकायदा इलेक्शन के माध्यम से शासन करते थे। उनका संविधान होता था, संविधान लागू करने के लिए वो संविधान को कहा जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आपका 1935 कह ले या उसके पहले आपका 1919 का संविधान कह ले या 1905 का संविधान कर ले या 18 समथिंग कुछ है, 1858 आई थिंक, उतना मेरे को ध्यान नहीं है, उस समय का संविधान कह ले। तो इस तरह के संविधान लगाने के पहले वो क्या इलेक्शन करवाते थे, ठीक है। और ये इलेक्शन जो होता था इसमें कुछ मैं खासकर आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी कानून लगाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, वो सारे कानून जो है वो इलेक्शन के माध्यम से लगाए जाते थे। नो डाउट रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन को आप कह सकते हैं कि अन्य लोगों को आरक्षण था इलेक्शन के माध्यम से, जिसमें आपका जो हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, जो इंडियन क्रिश्चियन है उनको वोटिंग का अधिकार था, लैंड होल्डर्स थे उनको वोटिंग का अधिकार था, इंडस्ट्रीज थे। कब की बात कर रही हूँ मैं, 1950 के पहले, देश आज़ाद होने के पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ जो हिंदुओं के अंदर में जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको आरक्षण था। तो आज़ादी के पहले उनका इलेक्शन होता था। आपको ये मतलब पहले के भी लाइव में मैंने बताया हुआ है कि आदिवासियों पर कभी भी केंद्र और राज्य के जो कानून थे, अंग्रेजी कानून थे आज़ादी के पहले, वो आदिवासियों पर लागू नहीं थे। क्यों नहीं लागू थे, जैसा मैंने बताया कि जो इलेक्शन होते थे वो इलेक्शन होते थे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, जिसको आज हमारे यहाँ पे कलेक्टर बोला जाता है, ठीक है। ये जो IAS की जो पोस्ट है, नो डाउट अंग्रेजों के माध्यम से आया हुआ है, पर आज भी सत्ता 1950 के बाद में, सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद में ये जो चीज़ें हैं। ओके, अच्छा आवाज़ बिल्कुल कम आ रही, मैं देख नहीं रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओके सॉरी, ओके फिर से मैं शुरू करती हूँ। सबको जोहार, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। सुबह का जैसा मेरा पोस्ट था, मैंने बताया था कि अनुच्छेद 334 में 10 साल का जो आरक्षण था, मात्र केवल 10 साल का आरक्षण था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। साथ ही साथ में जो ये जो आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसके साथ साथ में संविधान के अनुच्छेद 16 का जो 4 है उसमें राज्य को ये पावर दिया गया है कि राज्य के जो अनुसूचित जनजाति है, जाति है, पिछड़े वर्ग है, उनके लिए राज्य लोक मतलब कि राज्य की जो सेवाएं हैं उसमें आरक्षण देगा, ठीक है। 46 में जो है राज्य को पावर दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में कि ST SC OBC। अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है ये मुझे बता दे थोड़ा, तब मैं आगे चालू करूँ फिर से। ओके ठीक है, मधुकर पवार जी कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर है, ठीक है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अनुच्छेद 334 में 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, बिल्कुल सही बात है। ये जो खासकर है अनुच्छेद 334 में दिया गया है कि ST और SC के लिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है राज्य क्या बोलते हैं आपका लोकसभा में और विधानसभा में 334 और मतलब आपका 332 विधानसभा में जो है आपका लोकसभा में 330 और 332 में विधानसभा लोकसभा विधानसभा में आपका स्थानों का आरक्षण दिया गया है ST और SC के लिए, जो कि 334 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, और जो कि साल दर साल 10-10 साल के अंतराल में 1950 से 1960 में 60 में फिर से बढ़ाया गया 10 साल के लिए, ठीक है। ST और SC का जो लोकसभा और विधानसभा में जो स्थानों का आरक्षण था उसको और 10 साल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है।
60 के बाद 70 में बढ़ाया गया, 60 से 70 किया गया, 70 से 80 किया गया, 80 से फिर 90 किया गया। ऐसे करते करते अभी जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है, जो कि आपका इन 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, 2030 तक के लिए 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो बढ़ाया गया है। तो आरक्षण पे लोगों का जो भ्रम है, ठीक है, कि ये आरक्षण जो है आदिवासियों को भीख में मिली हुई है, ठीक है, और एससी लोगों की तो मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है, लेकिन जो एसटी आदिवासियों की जो बात कर रही हूँ, तो ये कहा जाता है कि नहीं, आदि अगर राज्य सरकार ने आदिवासियों को अगर आरक्षण नहीं दिया होता, ठीक है, तो आदिवासियों का विकास नहीं होता, शैक्षणिक आरक्षण नहीं होता, आर्थिक आरक्षण नहीं होता, नौकरी नहीं लगते, उनका विकास नहीं होता। नो डाउट आज के डेट में ये देखा जाता है कि आदिवासी समाज में लड़कों को जब तक सरकारी नौकरी नहीं हो, इस तरह का भ्रम फैलाया गया है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं हो आदिवासी लड़कों का, तो लड़कियां नहीं दी जाती। ऐसा काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। तो ये जो चलता आ रहा है, कम से कम में कहा जाए तो 1950 के बाद इस तरह की स्थिति ज़्यादा है। 1950 के पहले जो आदिवासी, ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि 1950 के पहले आदिवासियों का इलेक्शन नहीं था, ठीक है। जो वोटिंग की बात करें, जो स्थानों भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 334 में जो 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आदिवासियों को दिया गया था, ये कहकर कि आदिवासी अभी अपना सत्ता संभालने के काबिल नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो वो अपनी सत्ता संभालने के काबिल नहीं हैं, इसलिए हम जो सरकार है, भारत की सरकार है, अभी क्या है, ये बागडोर, इनकी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। बाकायदा मैंने 2 साल 11 माह 18 दिन की जो संविधान सभा की डिबेट है वो भी पढ़ चुकी हूँ। उसमें हमारे जो मारंग गोमके हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो संविधान सभा में हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे देश भर के आदिवासियों को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हुए थे, उनकी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो चर्चा है, इसमें ये सारी बातें जो मैं है ये खुलकर आ रही है कि हम आपके जो जयपाल सिंह मुंडा, मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये कहते हैं कि हम आपके साथ में मिलने के लिए तैयार हैं, मतलब हम भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। आदिवासियों की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में क्या है कि भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि बदले में ठीक है, हम आपको पॉलिटिकल आरक्षण देंगे, हम आपका विकास करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, लेकिन आपके जो वर्तमान कानून हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में लागू कानून है, कस्टमरी लॉ हो गया, लैंड लॉज हो गया, टेनेंसी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो गया, या फिर आपका जितने भी तरह के लैंड रेवेन्यू कोड है जिसमें आदिवासियों की ज़मीन के विशेषाधिकार हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें इनको नहीं हटाया जाएगा, ये कौन वादा कर रहे हैं? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बात कह रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा से, जो कि वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे आदिवासियों का। तो ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है कि अगर सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया होता, तो आज आदिवासियों का विकास नहीं होता, बिल्कुल निहायत ही बकवास है। चूँकि मैं ये बता दूँ, ये जो आरक्षण वाली बात है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से हमने पावर दिया है सरकार को कि आप हम पे कानून लागू करिए, और कानून लागू करने के साथ में आप, मतलब बदले में वो, जब हम 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको दे रहे हैं, उनको पावर दे रहे हैं, सरकार को पावर दे रहे हैं, तब जाके बदले में वो हम पे कानून लगा रहे हैं, और कानून लगा के बदले में शैक्षणिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण दे रहे हैं, प्लस साथ में जो हमारे क्षेत्र के, हमारे जो विशेष क्षेत्र है जिनको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, ट्राइबल एरियाज कहा जाता है, 5th Schedule, 6th Schedule कहा जाता है, इन क्षेत्रों के जो रेवेन्यू है, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो जल हो, चाहे जंगल हो, जमीन हो, इसको लेके जा रहे हैं और देश हित में उन सारे जो रेवेन्यूज है उनको खर्च कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे 10-10 साल के लिए जो बढ़ाते आ रहे हैं, जो हमारे जो लोकसभा और विधानसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हमारा, उनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि पावर दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप हमारे यहाँ पे शासन करिए, और साथ ही साथ में हमारे जो रेवेन्यूज़ है जिन पे हमारा अधिकार था उसको लेके जाइए, और मतलब उसको देश हित में खर्च करिए, ठीक है। ये सरकार जो चल रही है वो हमारे पैसे से चल रही है, नो डाउट, ठीक है। और एक भ्रम की स्थिति जो है कि आज़ादी के पहले आदिवासियों का इलेक्शन था, पहले मैंने आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, ठीक है, वो चीज़ मैं बता रही हूँ, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसके पहले मैं जो बातें कर रही थी कि 1950 भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, और
15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ठीक है। उसके पहले भी इलेक्शन हुआ करते थे, ठीक है, लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन उस इलेक्शन में अंग्रेज जो है उन्होंने डायरेक्ट शासन नहीं किया हम पर, पहले वो आए हम पे शासन नहीं कर पाए। उसके पहले के जितने लोग थे वो खासकर आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाए, कहीं कहीं पे प्रवेश नहीं कर पाए, शासन नहीं कर पाए। अंग्रेजों का जो सिस्टम था वो बहुत ही सिस्टमैटिक था। उन्होंने शासन करने पहले वो व्यापार के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं कि वो व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए। साथ ही साथ में धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया कि संविधान के माध्यम से, अंग्रेजी संविधान, 1935 का संविधान बोल लीजिए आप, 1919 का संविधान बोल लीजिए, उसके पहले 1905 का, 1909 का, फिर 18 समथिंग का जो संविधान का, उसके माध्यम से हम पे शासन किया, ठीक है। और वो संविधान के माध्यम से वो अंग्रेज क्या करते थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका यहाँ के भारत के, ब्रिटिश भारत के लोगों पर लगाते थे। उसी का कॉपी पेस्ट है आपका भारत का संविधान, ठीक है। मतलब कहा जा सकता है कि वो जो सत्ता थी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, वही सत्ता आज भी देश में चल रही है। और जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे, डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, पॉलिटिकल एजेंट, हम पर नहीं, ट्राइब्स की बात नहीं कर रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ 1950 के पहले, ठीक है, चाहे वो जिस भी तरह की होती होगी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें मैं देख रही हूँ, डेटा भी है मेरे पास में, ठीक है, आपका हिंदू को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, वोटिंग देने का अधिकार है, मुस्लिम को है, सिख को है, इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन की बात कर रही हूँ मैं, उसको वोटिंग करने का अधिकार है, लैंड होल्डर्स जो है उनको वोटिंग करने का अधिकार है, इंडस्ट्रीज है, और हिंदुओं के अंदर में जो डिप्रेस क्लासेस है, ठीक है, उनको वोटिंग करने का अधिकार है। शेड्यूल ट्राइब के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि आज़ादी के पहले उसको बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड ट्राइब कहा गया था आदिवासियों को, ठीक है। तो डिप्रेस क्लासेस है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की वजह से इन सारे जितने कम्युनिटीज़ के बारे में मैंने बताया उन पे अंग्रेजों का सीधा सीधा लोकसभा और विधानसभा का कानून लग रहा है। जितने भी पुराने कानून थे ब्रिटिश के वो लगते आ रहे थे, और ये जो क्षेत्र थे जिन पे इलेक्शन होते थे, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के अंडर में आते थे, उन क्षेत्रों को सामान्य क्षेत्र कह सकते हैं आज के डेट में। 1950 के बाद में, आज़ादी के बाद में, दो तरह के स्टेट डिवाइडेशन हुए। जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने शासन किया, डायरेक्ट शासन किया, पॉलिटिकल एजेंट कह ले, जिसको हम कह सकते हैं IS, हाँ, जिस समय मतलब आपके ब्रिटिश के समय से ही चलता आ रहा है पॉलिटिकल एजेंट, उसके माध्यम से हम पे कानून लगाया करते थे। और आदिवासी चूंकि मतलब वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो नो डाउट आपके यहाँ पे IPC CRPC कहीं कहीं पे मतलब IPC का नोटिफिकेशन हुआ था किसी किसी क्षेत्र में। आज़ादी के पहले आदिवासियों पे अंग्रेजी कानून कैसे लागू होते थे, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इतिहास जानना भी ज़रूरी है, ठीक है, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे अंग्रेज जो है, बिना इलेक्शन के या फिर बिना संविधान के किसी पे कानून नहीं लगाते थे। उसी वही सारे कानून आज अडॉप्ट हुए हैं, वही सारी सत्ता आज अडॉप्ट हुई है, तो वो सारे कानून आदिवासियों पर लगते कैसे थे, तो मैं ये सीधे सीधे बता दूं, चूंकि आदिवासी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इस कारण से जो भी राज्यपाल थे उस समय के, जो ब्रिटिश राज्यपाल थे, उनके पास में पावर था कि अंग्रेजों के कुछ कुछ कानूनों को बकायदा नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल कर, मुनादी करवा कर, ढिंडोरा पिटवा कर कि ये कानून आज के बाद आप पे लागू होगा, या फिर गाँव बैठा कर वहाँ के लोगों की सलाह के साथ में, ठीक है, तब जाके वहाँ पे वैसे कानून लागू हुआ करते थे, ठीक है। IPC इंडियन पिनल कोड का एक्सटेंशन कहीं कहीं पे हुआ, विस्तार हुआ कहीं कहीं पे, राज्यपाल ने IPC का नोटिफिकेशन दिया, ठीक है। IPC का मतलब होता है आपने कोई जुर्म किया, ठीक है, लेकिन CRPC की बात करूँ तो CRPC का नोटिफिकेशन हमको आज तक कहीं पे दिखाई आदिवासी क्षेत्र में। जो पाँचवें क्षेत्र की बात करें, छठी बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड ट्रैक की बात करें, हमारे पास जजमेंट भी है नागालैंड वर्सेस रतन सिंह का, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे CRPC का एक्सटेंशन कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्या है कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो क्लासेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, और डिप्रेस क्लासेस, जो हिंदूज के जो डिप्रेस क्लासेस थे उनका वोटिंग में पार्टिसिपेशन करने का पावर था, उनको आरक्षण था वोटिंग का, तो उन पे कानून भी लागू पड़ते थे, ठीक है। कानून का लागू पड़ने के साथ में जो उनको आरक्षण होता था, नौकरियां मिलती थी, जो भी जिस तरह की चीज़ें हैं ये सारे उन पर होते थे, कानून भी लागू होते थे। लेकिन आदिवासियों पे क्या है कि चूंकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उन पे कानून भी लागू नहीं होते थे। राज्यपाल, ब्रिटिश राज्यपाल के पास में पावर था कि
वो कुछ कुछ कानूनों को आदिवासियों के हित को देखते हुए उन पर लागू करे। आईपीसी को तो कहीं कहीं पर लागू किया गया, सीआरपीसी को लागू नहीं किया गया कहीं भी। मैं आज भी हर जगह पर रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन सीआरपीसी का नोटिफिकेशन कहीं पर भी विस्तार का नोटिफिकेशन, एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप आईपीसी के नीचे में आप देखेंगे तो एक्सटेंशन का कि आईपीसी का एक्सटेंशन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के तहत इन इन क्षेत्रों में हुआ। इसका नोटिफिकेशन का कोलकाता गजट ना फलाना गजट ढिकाना गजट के माध्यम से वहाँ पे नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है। लेकिन अगर हम सीआरपीसी में देख रहे हैं तो सीआरपीसी के एक्सटेंशन का वहाँ पे कहीं पे भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीआरपीसी लागू नहीं था। और जो पॉलिटिकल एजेंट हमारे क्षेत्र में आए वो कैसे आदिवासियों को जेल में डालते थे, तो ये पॉलिटिकल एजेंट के पास में पावर था। चूँकि मैं गजट नोटिफिकेशन देख रही हूँ, आपका गजटियर देख रही हूँ, तो उसमें ये दिखा रहा है कि आदिवासियों पे जो कलेक्टर को जेल में डालने का स्वविवेक का अधिकार था। ठीक है, पावर नहीं था। पावर कितने दिन का था, अगर मैं डूंगरपुर का देख रही हूँ, आपका गजटियर देख रही हूँ, तो वहाँ पे उनको महीना भर या फिर 13 दिन या 15 दिन इस तरह का मतलब जेल में डालने का अधिकार है। वैसे ही करते करते मतलब ये जो कलेक्टर थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, इनको आपका फुल पावर नहीं था कि वो ट्राइब्स को जेल में डाल दे। कुछ दिनों के लिए डाल सकते थे, सारा पावर था वो आदिवासियों के जो ग्राम सभा है उनको था। ठीक उसी समय पे जब इस तरह की चीज़ें चल रही थी तो झारखंड में विल्किंसन रूल फॉलो हुआ था, लागू हुआ था। चूँकि इन्हीं तरह के ब्रिटिश जो है वहाँ पे इतिहास भी लंबा है, आरक्षण का इतिहास भी बहुत लंबा है, कैसे गुलाम बने हम, पहले तो गुलाम थे नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल जो आपका रिप्रेजेंटेशन है 1950 के बाद में, उसके बाद से गुलाम बन गए। तो विल्किंसन रूल बनने के पीछे रीज़न यही था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपने नो डाउट आज के डेट में भी देखेंगे आप, इतने सारे कानून संविधान और होते हुए भी, इतने एक्ट पैक्ट होते हुए भी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक उस समय पे भी यही हाल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भी यही हाल थे। केंद्र में कुछ और कानून बना हुआ है, राज्य में कुछ और कानून बना हुआ है, लेकिन जो फॉलो करने वाले थे ब्रिटिश के, जो मतलब आपके चमचे थे, ठीक है, जो कि हमारे लोकल लोग ही हुआ करते थे नो डाउट, ठीक है, वो थे, वो कानून को लागू नहीं करते थे। ब्रिटिश के जो आपके जो भी होल्ड करते थे, पद होल्ड करते थे, वो कानून का खुला खुले आम उल्लंघन करते थे। तो इसी दौरान पे जो विल्किंसन थे, आपके एजेंट थे ब्रिटिश के, तो वो आदिवासी क्षेत्र में आए थे, कुल्हान क्षेत्र में आए थे, और कुल्हान में वहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल जो लॉ है, हमारे ग्राम सभा ही इसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम आपके कानूनों को हम नहीं मानेंगे। काफ़ी सारे आंदोलन भी हुए, नो डाउट हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं तो काफ़ी सारे आंदोलन भी हमको दिख रहे हैं हर क्षेत्र में, आपके पूरे के पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्र में। उन्होंने रिसर्च किया, ब्रिटिश ने कानून नहीं लगाने के पीछे उनका रीज़न यही था कि उन्होंने रिसर्च किया, तब मालूम चला कि ये जो 8% की जनसंख्या है आदिवासियों की, ये यहाँ की एबोरिजिन है, और बाकी के लोग व्यापार करने के माध्यम से कभी ना कभी यहाँ पे आए थे और फिर यहाँ पे बस गए थे। तो ठीक है, एबोरिजिन, यहाँ के जो एबोरिजिन ट्राइब है उनके लिए उन्होंने क्या किया, विशेषाधिकार दिया, और तब जाके विल्किंसन रूल जो फॉलो हुआ उन्होंने बनाया, ठीक है, विल्किंसन ने बनाया, वो मुंडा मानकी को ध्यान में रख कर बनाया, और उसमें ये चीज़ मतलब कि मेंशन किया कि वहाँ पे कोल्हान क्षेत्र में सिविल और क्रिमिनल जो आपके रूल्स है वो वहाँ के स्थानीय ग्राम सभा ही फॉलो करेगी, मुंडावान की ही फॉलो करेगी। सिविल एक्ट मतलब सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये दोनों वहाँ पे लागू नहीं पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे विल्किंसन रूल फॉलो है, और आपका संविधान के अनुच्छेद 372(1) के होने की वजह से ये जो एक्ट है वो आज तक फॉलो होता है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, पर रियलिटी में आपके कई सारे जजमेंट है, आपको चैलेंज करने की ज़रूरत है। आज भी उस क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में, विल्किंसन रूल ही फॉलो होगा। ठीक है, बात रही सिविल प्रोसीजर कोड की, जो ज़मीनी कानून जो है, और मैंने पहले ये बताया आईपीसी लागू था, नोटिफिकेशन निकला हुआ है, कुछ कुछ क्षेत्रों में सीपीसी लागू था, कोल्हान क्षेत्र को छोड़ के बाकी क्षेत्र में आपका दीवानी मामलों के लिए सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड लागू था। ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, राज्यपाल ने नोटिफिकेशन, इलेक्शन में आदिवासी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, राज्यपाल ने पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला सीपीसी आईपीसी का, लेकिन सीआरपीसी का नहीं निकाला। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कलेक्टर, वर्तमान के कलेक्टर थे, उनको पावर दे दिया कि आप आदिवासियों पर अपने हिसाब से आप उन पर
शासन चलाओ, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिया कि आप मृत्यु दंड दे सकते हैं, वो पावर नहीं दिया, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दे सकते हैं, वो पावर नहीं दिया। थोड़ा हर क्षेत्र के हर राज्य के हर आदिवासी क्षेत्र पे अलग अलग तरह के पॉलिटिकल एजेंट को अलग अलग तरह का पावर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अब बात आती है कि उस समय पे आदिवासी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है, कोई कानून आदिवासियों पे लगता नहीं था, कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कि राज्यपाल उन कुछ कानूनों को लागू करते थे, उन कानूनों को छोड़ के आदिवासियों पे अंग्रेजों का कानून लगता नहीं था, तो आदिवासियों का विकास होता कैसे था, ठीक है ना। उस समय पॉलिटिकल रिजर्वेशन था ना, उस समय पे आपका आर्थिक आरक्षण था ना, नौकरी में आरक्षण था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। वो संविधान से एक हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका 1850 समथिंग का, उससे वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो फिर उन पे मतलब कि उनका विकास कैसे हो रहा है। तो उनका विकास हो रहा था उनके गांव के क्षेत्र के जो रेवेन्यू है, जल जंगल जमीन और खनिज, बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, वहाँ के रेवेन्यू पे उनका अधिकार था, उससे उनका विकास हो रहा था। गजेटियर ऑफ इंडिया में मैं पढ़ रही हूँ तो रांची क्षेत्र की बात कर रही हूँ खासकर, तो ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि ब्रिटिश का आगमन रांची क्षेत्र में, जो झारखंड का छोटा नागपुर है, नो डाउट आपके आंदोलन भी काफ़ी हुए वहाँ पे, तो इस क्षेत्र में उनका आगमन ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा थे। गजेटियर ऑफ इंडिया में मैं देख रही हूँ कि छोटा नागपुर क्षेत्र में आपके जो खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ब्रिटिश का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो रांची क्षेत्र ही था, छोटा नागपुर क्षेत्र ही था कुल मिलाकर, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक जो हमको वहम की बात फैलाई जाती है कि एसटीएससी को अगर बाबा साहब नहीं होते तो एसटीएससी को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, जबकि हम देख रहे हैं कि आज़ादी के पहले जब आदिवासियों का वोटिंग नहीं था तो कानून भी उन पर लागू नहीं हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज क्या है, ब्रिटिश संविधान, फिर ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, ब्रिटिश जो है आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गया, जो राज्य की सरकार है, ब्रिटिश केंद्र की सरकार है, उनके माध्यम से उन पर मतलब आदिवासियों पर कानून नहीं लगा पा रही है, तो फिर कुल मिलाकर उनका अपना विकास, मतलब बोलते ना खुद का साथ खुद का विकास, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, किसी पर डिपेंड नहीं थे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और ये जो भ्रम की स्थिति है कि नहीं बाबा साहब नहीं होते तो आज हमको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता, जबकि आदिवासियों को पहले से आज़ादी के पहले से उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन उनका विकास अच्छी तरह से हो रहा था। तो अब बात आती है 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, कम्युनल अवार्ड की बात कर रहे हैं, उसमें भी मेरे पास बुक है, पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो कम्युनल अवार्ड में आपका साफ साफ लिख रहा है कि वहाँ पे भी कम्युनल अवार्ड में वोटिंग की जो बात की गई है वो वोटिंग की बात है हिंदू मुस्लिम सिख इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है, आपका लैंड होल्डर्स है, इंडस्ट्रीज है, और हिंदुओं के जो डिप्रेस क्लासेस है, जो पिछड़े वर्ग है, उनके लिए आरक्षण की बात थी। आदिवासियों के आरक्षण 1932 में भी नहीं थी, इलेक्शन नो डाउट उस समय भी होते थे आपका 1932 के बाद में, 1935 का संविधान भी आया, 1935 आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, ठीक है, उस समय पे आपके जो है बाबा साहब की वजह से एससी लोगों को मिल गया वहाँ पे आरक्षण मिल गया, पॉलिटिकल आरक्षण मिल गया, नो डाउट। लेकिन आज़ादी के बाद अनुच्छेद 330, 332 और 334 के माध्यम से आदिवासियों को पॉलिटिक्स में घुसाया गया, और उस प्रकार से जो आदिवासियों पे आज़ादी के पहले कोई ब्रिटिश का कानून, केंद्र का कानून लागू नहीं होता था, राज्य का कानून नहीं होता था, वही ब्रिटिश संसद आज भारत की संसद हो गई सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद, और ब्रिटिश की जो विधानसभा थी वो आज भारत की विधानसभा हो गई है, ठीक है। तो उस समय आज़ादी के पहले चूंकि आदिवासियों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इलेक्शन नहीं था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी किसी कोई पूछ रहे मेरे से, सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन डाला, उसमें मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र किया था, इसी बातों का जिक्र किया था, अनुच्छेद 334 में 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, स्थानों के आरक्षण के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा पिटीशन हमने तैयार किया है, जिसपे तीन हमने पार्टीज बनाए थे, केंद्र सरकार का आपका केंद्र सरकार की विधि और न्याय विभाग थे, केंद्र सरकार की आप नेशनल इलेक्शन कमीशन है, केंद्र सरकार के आपके ट्राइबल मिनिस्ट्री है, इन तीनों को मैंने पार्टी बनाया है, और इसमें तीनों को
जो सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया हुआ है, अभी उनका रिप्लाई आता है, काउंटर एफिडेविट पूरे लोगों का नहीं मिला हुआ है, पूरे लोगों का काउंटर एफिडेविट आता है फिर जाके। तो उसमें मैंने बहुत सारे प्रेयर्स किए थे पांचवी अनुसूची को लेके कि राज्यपालों को विशेषाधिकार जो आदिवासियों के लिए है वो फॉलो होने चाहिए, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक हम मेरा जो रिक्वेस्ट था माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो लोकसभा और विधानसभा यानी कि ये जो स्थानों के आरक्षण 334 का तो एग्जाम्पल था ही, साथ ही साथ में चूंकि मेरे को पता है कि आज़ादी के पहले जब इलेक्शन आदिवासियों का नहीं था, उसके पहले आदिवासियों पे कोई भी ब्रिटिश का संसद का ब्रिटिश के विधानसभा का कोई भी कानून लागू नहीं होता था, ये मेरे को पता है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैंने अनुरोध किया, प्रेयर किया कि महाशय ये जो लोकसभा इलेक्शन है 2019 का, इसको रोका जाए। और चूंकि पैसे की कमी कह ले या फिर किसी तरह के विरोधाभास की कमी कह ले, इस वजह से वो पिटिशन डालने में मेरा थोड़ा लेट हो गया। और चुनाव का, लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका था, उसका उसके पीछे रोक, तो उसमें मतलब कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि माननीय महोदय, माननीय चीफ जस्टिस साहब, इस ये जो इलेक्शन जो चल रहा है लोकसभा 2019 का, इसको रोका जाए। तो वहाँ पे जज साहब का जो बाकी सारे प्रेयर थे उनको तो मान लिया, टीएसी वगैरह के लिए, राज्यपाल के विशेषाधिकार के लिए, वो सारे जो मतलब के प्रेयर थे उनको मानते हुए नोटिस तो किया। लेकिन ये जो बात है जो मैंने बोला था कि लोकसभा चुनाव 2019 रोका जाए, उस पर उन्होंने यह कहते हुए मतलब एक नोटिस मैं आपको शेयर करूंगी, उस नोटिस में उन्होंने कहा कि अभी अगर लोकसभा चुनाव रोका जाए तो वह विनाशकारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका पहला चरण चुकी हो चुका था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी मेरी सोच थी, थॉट बहुत लंबी थी, लोगों को समझाती तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से जो 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को मिला, कहीं ना कहीं इसी वजह से जो आज़ादी के पहले आदिवासियों पे चुनाव ना होने की वजह से आदिवासियों पे केंद्र की राज्य की जो कानून लागू नहीं होते थे, वह 334 में 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बाद से आदिवासियों पे लोकसभा और विधानसभा के कानून लागू होने लगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इस तरह की घाटा हम लोगों को अनुच्छेद 334 में 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मिला। ठीक है, आज़ादी के बाद की बात करें तो 334 में 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा गया कि आदिवासी जो आपका संविधान सभा का 2 साल 11 माह 18 दिन की 8 वॉल्यूम की किताबें हमारे पास में है, हिंदी में है बाकायदा, पढ़ा हुआ है मैंने दोनों, आपके जितने भी वहाँ पे संविधान सभा के जो सदस्य थे, 5 हमारे आदिवासियों के जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग थे आपका, तो उसमें से जयपाल सिंह मुंडा जी ने ही काफ़ी कुछ बोला है आदिवासियों के हित में, बोला है, खुलकर बोला है, काफ़ी सारी बातें वहाँ पे मतलब समझ में भी आई, किस तरह की साजिशें की गई आदिवासियों के द्वारा, वो सब कुछ मतलब कि समझ में आया। पांचवी अनुसूची का जो मेन मसौदा था, आज हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची लागू करो, तो पांचवी अनुसूची का मेन मसौदा जो था, मेन जो कॉपी थी, वो 2 कॉपी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। लेकिन उसको ये कहकर मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, प्रॉमिस किया जयपाल सिंह मुंडा से कि ये जो मेन मसौदा है, मूल प्रति है पांचवी अनुसूची का, हम इसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम इसको नहीं बदलेंगे। लेकिन धीरे धीरे करते करते उन 2 साल के अंदर में देखा जाता है कि पांचवी अनुसूची में भी संशोधन किया जाता है, और पांचवी अनुसूची में संशोधन करने के बाद ये जो पावर था कि केंद्र का और राज्य का कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, वो चीज़ को धीरे धीरे करके उन्होंने संविधान सभा के दौरान ही संशोधन कर दिया कि राज्यपाल अगर चाहे तो। ठीक है, पहले क्या था कि राज्यपाल को केंद्र और राज्य के जो कानून है आदिवासियों पर लागू करने से पहले पब्लिक नोटिफिकेशन निकालेंगे ही निकालेंगे, उसको कर दिया मैं, मतलब कि राज्यपाल महोदय अगर चाहे तो आदिवासियों पर केंद्र और राज्य की कानून लागू नहीं होगी आने वाले समय में, 1950 के बाद ये के कानूनों के लिए चीज फॉलो हो गया। तो बहुत सारी साजिशें भी हुई हमारे साथ में। और अनुच्छेद 334 में जो 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं देख रही हूँ, आपके संविधान सभा के डिबेट में मैं देख रही हूँ, तो ये कहा जा रहा है कि
आपको हम आप मतलब कि जो है आदिवासियों को ब्रिटिश भारत में मिलने से ऐतराज क्यों है, हम आपको मतलब कि इतना हमारा इंटेग्रल स्कीम है, हमारी जो स्कीम है पॉलिसीज़ है उसके तहत हम आपको शैक्षणिक आरक्षण देंगे, हम आपको आर्थिक आरक्षण देंगे, हम आपका विकास करेंगे, साथ ही साथ में जो लैंड रेवेन्यू कोड है और टेनेंसी एक्ट है, चाहे वो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड हो, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड हो, बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड हो, या फिर आपका गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड हो, तो इस तरह की चीज़ों को हम जैसे आदिवासियों के लिए है हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसमें संविधान सभा के डिबेट में, लेकिन कालांतर में उस आज के डेट में देख रहे हैं तो हर 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 मतलब कि आपके संसद और विधानसभा की जो विधानसभा होती है तो उसमें CNT एक्ट हो गया या फिर आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड हो गया, इन सारी चीज़ों को बार बार संशोधन किया जा रहा है, बार बार उसमें छेद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वादा किया गया था आदिवासियों के साथ कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमसे मिल जाइए, आप हमको 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, आप हमको पावर दीजिए कि हम आप पे शासन करें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, ये 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोकसभा विधानसभा में हमारे साथ मतलब कि कानून बनाने में हमको हेल्प करेंगे, इस तरह की चीज़ें आप अगर मतलब ये करते हैं तो हम आपका मतलब कि इस तरह का विकास करेंगे ये करके, चूँकि क्या है कि ये 10 साल के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ही लोकसभा में केंद्र का कानून और विधानसभा में राज्य का कानून लागू पड़ेगा और वही कानून फिर इन क्षेत्र के आदिवासियों पे लागू पड़ेंगे, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं छेद 10 साल के लिए हमने पावर दे दिया कि आप हम पे शासन करिए, लोकसभा विधानसभा कानून हमारे लिए बनाइए, तो इस तरह की चीज़ें हो गई एक साजिश के तहत। आदिवासी अभी सत्ता चलाने के काबिल नहीं है, तो अब जब तक उनको हम 10 साल के लिए हम उनका पावर ले रहे हैं, 10 साल में हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो अभी अनपढ़ है, वो गवार है ऐसा कहा गया, ठीक है, वो अभी सत्ता चलाने के काबिल नहीं है, अपने क्षेत्र को संभालने के काबिल नहीं है, वहाँ पे नो डाउट खनिज बहुत है, आदिवासी क्षेत्र में खनिज बहुत है, क्या पता लालच भी रहा हो, ठीक है, चूँकि गजेटेड ऑफ इंडिया में मैं देख भी रही हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में ही बहुत सारे खनिज हैं, और केंद्र अभी भी मैं ये देखती हूँ कि खान खनिज के लिए जब भी कोई कानून बनना होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं, संत जजमेंट आ रहे हैं, उसमें खनिज के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बोला जा रहा है कि केंद्र के विकास पूरे देश भर के विकास के लिए अगर खनिजों का इस्तेमाल हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है, रोक तो है लेकिन कर सकते हैं, तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देकर हमने बोला आ बैल मुझे मार, ठीक है, इस तरह की चीजें हुई है। अब बात आती है कि ये आरक्षण हमको तो समझ में आ गया कि 10 साल के लिए हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया 1950, भारत का संविधान लागू होने के साथ ही ये 10 साल का यानी कि 1950 से 1960 के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने अपने लोकसभा विधानसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, MLA भेजे, MP भेजे, ठीक है। अब क्या है कि लोगों को पॉलिटिकल लालच हो गया है, ठीक है, 10 साल में शैक्षणिक आर्थिक जो हमारा विकास करने का था, ठीक है, 10 साल में हम इनका शैक्षणिक विकास करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, लेकिन आज 70 साल हो गए, हर 10-10 साल में ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को हर 10-10 साल में बढ़ाया जाता है बिना हमारी जानकारी के, हमको मालूम भी नहीं चलता है, हम क्या करते हैं MLA चुनते हैं, हम क्या करते हैं MP चुनते हैं, और वो कब जाकर वो 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा आते हैं ताकि और 10 साल के लिए हम इन पे लोकसभा विधानसभा का कानून थोप सके, और उन लोकसभा और विधानसभा का कानून थोपने के साथ में इनके जल जंगल जमीन लूट सके, इनके खनिज लूट सके, क्योंकि बिना लोकसभा विधानसभा के कानून के ना हम इन पे ये 10 साल के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं होगा, 10 साल के लिए नहीं बढ़ेगा, ये 10 साल के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इन पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों चीज लगा रहे हैं, जो कि ब्रिटिश के समय से ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और ब्रिटिश भारत का संविधान सब पे लागू हुआ। तो इस तरह की चीजें होती थी ब्रिटिश भारत का संविधान। जब एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ब्रिटिश भारत का संविधान यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके पहले 1990, उसके पहले 1909, उसके पहले 1905 और उसके पहले आपका 1850 समथिंग था वो लागू हो रहा था। तो 1850 समथिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर रहे थे अंग्रेज, तो उस समय पे झारखंड प्रदेश
जो कि छोटा नागपुर कहा जाए, यहाँ पे बहुत विरोध हुआ था। आपके काफ़ी हुल हुए थे, संथाल हुल हुए थे, कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। पूरा का पूरा झारखंड जो प्रदेश है, वर्तमान का छोटा नागपुर, उस समय का छोटा नागपुर, आज का झारखंड प्रदेश है, ये काफ़ी यहाँ के जितने भी ट्राइब थे, ठीक है, और आपके बहुत सारे, मतलब कि आपका भूमिज विद्रोह हुआ, आपके जो है कुर्मी विद्रोह हुआ, आपका जो कोल, संथाल, मुंडा और जितने भी 32 ट्राइब है, हर ना सिर्फ वो और बाकी सारे जो कहा जाए कि जो झारखंडी जो 1932 का खतियानधारी जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी विद्रोह किया। और इस फल स्वरूप, ठीक है, इस फल स्वरूप क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचने के लिए मजबूर हो गई कि ये लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। तब जाके बंगाल रेगुलेशन, जैसे कि वहाँ पे तीन ये आपके जो प्रेसिडेंसी जो उन्होंने डिसाइड कर रखा था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, थोड़ा हार्ड जाएगा लेकिन टफ जाएगा लेकिन समझने की ज़रूरत है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। इन इन सारी चीज़ों में उन्होंने क्या किया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्होंने लगाया, ठीक है, आपका 1850 समथिंग का, मैं पार्टिकुलर उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का डेट याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उस समय का लगाया, तो संथाल हुल होने की वजह से, कोल विद्रोह होने की वजह से और बाकी के बाकी पूरा, मतलब कि जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वो जल रहा था, इस कारण से उन्होंने क्या किया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लेके आए वो। और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आदिवासियों के लिए, मतलब संविधान तो है, कौन सा संविधान है, ब्रिटिश संविधान तो है, लेकिन 1874 में वो अलग से लेके आ रहे हैं आदिवासियों के लिए, सत्ता के लिए, कि इन लोगों पे अंग्रेजों का कानून, हमारा कानून लागू हम नहीं करेंगे। तो दो तरह के कानून लगाए, एक तो लगाए सामान्य लोगों के लिए, संविधान तो बनाया लेकिन उसी में छोटा सा भाग डाल दिया शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, ठीक है। अब उसी को अगर हम लेके आ रहे हैं 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ठीक है, जो आपका जो उनका जो संविधान है, ब्रिटिश का जो संविधान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो जो 1874 का जो उनका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट है, उसको उन्होंने कहा एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, यानी कि आंशिक वर्जित क्षेत्र और वर्जित क्षेत्र, मतलब इन क्षेत्रों पे, इन क्षेत्र के आदिवासियों पे कोई अंग्रेजों का कोई भी कानून लागू नहीं पड़ेगा, अगर लागू पड़ेगा तो उसके लिए राज्यपाल पब्लिक नोटिफिकेशन निकालेंगे और वहाँ के स्थानीय जो आदिवासी है उनके रूढ़ी प्रथा, उनके जो लागू कानून है, वहाँ की जो ग्राम व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए ही वो कानून वहाँ पे लागू करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई। और 1935 का संविधान, सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद 15 अगस्त 1947 के पहले जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय जो सत्ता जो हस्तांतरण हुआ, उसके बाद जो वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो 1935 का संविधान अभी भारत का संविधान बना, ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें से लिया गया है, नो डाउट आपके करार भी हैं। तो 1950 में जब भारत का संविधान बना, तो ये जो वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र थे, जहाँ पे अंग्रेजों के का कोई भी कानून लागू नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें आपके 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के रूप में लागू पड़ गई, ठीक है। और उस समय पे जो अंग्रेजों के समय का जो वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र था, और जो बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड ट्राइब थे, मतलब कि जो आदिवासी थे, वो पावर दे दिया गया, चुनने का अधिकार दे दिया गया वर्तमान के राष्ट्रपति महोदय को, कि बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं 1950 के बाद में जो कि आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जहाँ पे काफ़ी गोंड ट्राइब काफ़ी ज़्यादा है, वो क्षेत्र आज़ादी के पहले आपका ब्रिटिश एरिया में तो आपका ये आ रहा था, आंशिक वर्जित क्षेत्र में आ रहा था, कायदे से वर्तमान में सोनभद्र क्षेत्र जो है यूपी का, वो 5वीं अनुसूची में होना चाहिए था लेकिन उसको छोड़ दिया गया, और राष्ट्रपति महोदय के पास में ये पावर था कि आप उन क्षेत्रों को फिर से 5वीं अनुसूची घोषित करिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि किसी भी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची घोषित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही बहुत सारे ट्राइब ऐसे हैं जो कि आज़ादी के बाद छूट गए हैं, तो राष्ट्रपति महोदय के पास में ये पावर है कि उन ट्राइब को आप जोड़िए जो एसटी के स्टेटस में नहीं डाले गए हैं, तो आप 1950 में आपको ये पावर दिया गया है, तो आप उनको एसटी के स्टेटस में वापस जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति महोदय के पास में ये पावर है कि आप एसटी बढ़ा सकते हैं पर एसटी घटा नहीं सकते, आप आदिवासी क्षेत्र बढ़ा सकते हैं पर आदिवासी क्षेत्र घटा नहीं सकते, पर कानून संविधान का उल्लंघन हो रहा है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके माध्यम से, जो नेता मंत्री है उनके माध्यम से, जो इनफैक्ट जो मतलब कि न्यायपालिका में जो बैठे हुए हैं उनके माध्यम से भी कानून संविधान का काफ़ी उल्लंघन हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो दो तरह के क्षेत्र यहाँ पे बने, एक तो हो गया सामान्य क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेजों का सारा कानून लागू होता था,
आदिवासी कभी झुके नहीं, कभी दबे नहीं, इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया कि नहीं, आदिवासियों पर अंग्रेजों का कोई भी कानून लागू नहीं होगा, और जो कानून लागू होगा राज्य राज्य के हिसाब से, कुछ कुछ कानून को लागू किया राज्यपालों के माध्यम से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार उन क्षेत्रों को कहा गया पांचवें अनुसूची क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र, ठीक है। हर राज्य में दो तरह के क्षेत्र हैं, हर राज्य में आदिवासी हैं, जैसे हर राज्य में कुछ सामान्य क्षेत्र है वहाँ भी आदिवासी है, हर राज्य में कुछ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे तो फुल्ली आदिवासी हैं, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची के प्रावधान है हर राज्य के आदिवासियों पर लागू होगी, चाहे वो किसी बाहर के क्षेत्र के आदिवासी हों, चाहे अंदर के क्षेत्र के आदिवासी हों, ठीक है। और एक चीज़ हम लोगों को समझ में आता है, ये जो मतलब कि अनुच्छेद 334 में तो वो 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है वो भी, ओ शिट सॉरी लाइट कट गई है, वन सेकेंड। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगी, लाइट कट गई है। मुझे कहीं जाना पड़ेगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बात पूरी नहीं हुई है मेरी, पूरी बात क्लियर कर दूं, अंतिम के कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी, ठीक है। अनुच्छेद 334 में 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। इसमें भी दो तरह के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा है, एक तो सामान्य क्षेत्र और एक आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं, आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा सा लिंक टूट गया था। अनुच्छेद 334 में वो 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूं मैं, तो ये दो तरह के हो गए। एक जो भ्रम की स्थिति है कि राज्य अनुच्छेद 16 का 4 का ख में, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि राज्य को पावर है कि वो उस राज्य के अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़े वर्गों के राज्य में जो सेवाएं हैं नौकरियां हैं उनमें कुछ कानून बना सकते हैं, प्रावधान दे सकते हैं, इस तरह का पावर है अनुच्छेद 16 में, ठीक है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। पर इसके बारे में क्या कहा गया है कि 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा कोई भी राज्य किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकता, किसी भी जनजाति हो या फिर जाति हो या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। पर वहीं अगर बात करें आदिवासी क्षेत्र यानी कि पांचवी अनुसूची की, तो वहाँ पे पांचवी अनुसूची के प्रावधानों के आधार पे वहाँ पे 50% रिजर्वेशन नहीं, बल्कि स्थानीय जो आदिवासी हैं उनको 100% रिजर्वेशन का अधिकार है और यही प्रावधान है। मतलब अगर झारखंड प्रदेश का एग्जाम्पल लेके कहूँ मैं, तो 24 जिले में से 13 जिले हैं वो पांचवी अनुसूची में आते हैं और जो 11 जिले हैं वो सामान्य क्षेत्र में आते हैं। नो डाउट यहाँ के झारखंडी हैं, ठीक है, झारखंडी प्लस वहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब है सामान्य क्षेत्र के, वहाँ के लिए 50% रिजर्वेशन जो राज्य बनाते हैं, 50% अगर आरक्षण किसी ST को दे या SC को दे या OBC को दे, तो वो सामान्य क्षेत्र जो 11 जिले हैं उनमें 50% से ज़्यादा वो ST को आरक्षण नहीं दे सकता या ST को आरक्षण नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम बात करें आदिवासी क्षेत्रों की, तो वहाँ पे 50% का जो सीमा है वहाँ पे काम नहीं करता, वहाँ पे पांचवी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार 100% रिजर्वेशन की का प्रावधान है। यही संविधान है, यही कानून है जिसका उल्लंघन आज तक किया जा रहा है और हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 46 का है जिसमें राज्य के पिछड़े ST, SC, OBC वगैरह को जो है आपके शैक्षणिक आरक्षण है, आर्थिक आरक्षण है, इन सब सारी चीज़ों की बात है। ये तो एज अ संविधान के तहत उनको पावर दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, बाध्यकारी तो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की,
ठीक है, पांचवी अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो पांचवी अनुसूची में ये अनुच्छेद 16 का 4 का ख में 50% रिजर्वेशन देने की जो बात आ रही है, राज्य के पास में पावर है, वो उसको बाध्यकारी नहीं होता है। अभी अभी आंध्र प्रदेश में कुछ एक सालों की बात है, आंध्र प्रदेश में इस पे जजमेंट आया कि राज्य को 50% रिजर्वेशन, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये आपका जजमेंट दिया है कि राज्य को 50% से ज़्यादा बनाने का पावर नहीं है। लेकिन जो 100% रिजर्वेशन की बात जो कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज की, ठीक है, ये इंटेग्रल स्कीम है। इंटेग्रल स्कीम मतलब कि ये पांचवी अनुसूची के बारे में बात करें तो ये आदिवासियों का समता जजमेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट आया हुआ है उसमें ये साफ साफ कह रहा है कि पांचवी अनुसूची इनका जो संविधान निर्माता है इनका इंटेग्रल स्कीम है। इस स्कीम के अनुसार जो है 100% रिजर्वेशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि एक हाथ दे एक हाथ ले। आरक्षण के बारे में नो डाउट हम लोगों को काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा है, मैंने पहले भी बताया है कि आरक्षण 100% रिजर्वेशन की बात करें, अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में केवल ट्राइब्स को ही विशेषाधिकार है। राजस्थान में भी मतलब कि काफ़ी इस पे दो तरह की चीज़ें आई है, सामने आई है कि वहाँ पे जो सामान्य क्षेत्रों में जो पांचवें क्षेत्र से इतर जो क्षेत्र हैं उससे बाहर के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो प्रावधान है उनको आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है कि 50% रिजर्वेशन आदिवासी क्षेत्र में भी जो 100% रिजर्वेशन ट्राइब्स को मिलना चाहिए उसकी जगह पे 45% रिजर्वेशन अभी दे रहे हैं। तो ऐसे में सामान्य क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में क्या अंतर रह गया? तो ये जो चीज़ें हैं इस पर नो डाउट आपके जो वहाँ के विधि कार्मिक विभाग का आपका ये भी लेटर भी आया हुआ है कि राज्य ने जो इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला है राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के लिए कि 45% रिजर्वेशन मिलेगा, वो चीज़ें मतलब गलत है। जबकि अगर राज्य के जो राज्यपाल हैं वो अगर पांचवी अनुसूची के पैराग्राफ 5 के तहत उनको जो पावर है उसके तहत राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों के लिए अगर रिजर्वेशन करते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के लिए ही आपका रिजर्वेशन या फिर अन्य सुविधाएं या फिर अन्य तरह के जो मतलब आपके कानून पे उलटफेर करने का, संशोधन करने का, उनके हितकारी तरीके से संशोधन करने का अधिकार है। बाकी राज्य के बाकी जो एससी ओबीसी जनरल लोगों के लिए राज्यपाल के पास में पावर नहीं है कि वो पांचवी अनुसूची के पैराग्राफ 5 के तहत वो कोई कानून बना सके। तो इसको भी चैलेंज करने की आवश्यकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार तरीके से मतलब कि मैं बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन लोग क्वेश्चन तो पूछना चाह रहे हैं लेकिन अब मैं थोड़ा इस पर कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, दो क्वेश्चन में वो मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, एक कह रहे हैं कि आरक्षण पाने वाले फैमिली को दोहरा आरक्षण का लाभ मतलब कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये बता रही थी मैं कि ये तो उसी तरह की बात हो गई कि पिताजी की ज़मीन अगर मतलब कि पिताजी के पास में अगर 10 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, और 10 एकड़ की ज़मीन है तो वो कायदे से तो दो बेटों में बराबर बांटी जानी चाहिए, लेकिन दो बेटों में 5-5 एकड़ की ज़मीन बांटी जानी चाहिए, लेकिन एक बेटा अगर नौकरी में बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया तो उसको उसको उस ज़मीन में से 5 एकड़ की ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए, ये वाली बात आ गई। तो ये गलत बात है, सबको बराबर का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये जो आरक्षण के जो नियम हैं, ठीक है, हमको जो आरक्षण मिला हुआ है, आदिवासियों को आरक्षण मिला हुआ है, ये कोई भीख में नहीं मिला हुआ है, ये जो आरक्षण है ये टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल मीन्स कि पांचवी अनुसूची के जो क्षेत्र हैं वहाँ के आदिवासी, जैसे झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में 32 ट्राइब हैं। झारखंड का उदाहरण मैं इसलिए देती हूँ कि झारखंड के बारे में मुझे मुँह जबानी याद है। तो झारखंड के जो 32 ट्राइब है वो अपने पांचवी अनुसूची क्षेत्र में ट्राइब रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी और राज्य में चले जाए, वो राजस्थान चले जाए तो वहाँ पे वो ट्राइब नहीं रह जाएंगे। इनफैक्ट राजस्थान के जो भील हैं वो भील अगर झारखंड आ जाए तो यहाँ पर ट्राइब नहीं रह जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट मतलब कि जो राजस्थान के जो दौसा अलवर जयपुर क्षेत्र के जो मीणा हैं वो अपने क्षेत्र में टेरिटोरियल आदिवासी हैं, लेकिन वही अगर मध्य प्रदेश चले जाए या फिर कोई और राज्य में चले जाए तो वो वहाँ पे आदिवासी नहीं कहलाते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन होता है वो टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल दैट मीन्स कि आपकी जितनी ज़मीन उतना परसेंट आरक्षण, यानी कि आदिवासियों की 100% ज़मीन, इसलिए आदिवासियों को 100% आरक्षण। इतिहास में भी काफ़ी सारे समता जजमेंट में पढ़ रही हूँ कि कोई भी ज़मीन थी वो पहले आदिवासियों की ही थी, इसलिए ये जो पांचवी अनुसूची नामक क्षेत्र जो है
वर्जित क्षेत्र थे, आंशिक वर्जित क्षेत्र थे, आदिवासियों के नाम के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के जो नोटिफाइड ट्राइब हैं इनको 100% रिजर्वेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से वो बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पे वे आदिवासी नहीं कहलाएंगे, इसलिए अपने क्षेत्र में उनको अधिकार है 100% रिजर्वेशन का, नौकरी में, शैक्षणिक आरक्षण में। और इसी जमीन की वजह से सरकार पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, 10-10 साल का रिप्रेजेंटेशन है, वो 10 साल के लिए लोकसभा विधानसभा के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में, पाचन क्षेत्र में आ रही है। आपके 100% जो जमीन है उसी में से सोना लोहा चांदी निकाल के ले जाके फिर वो देश हित में खर्च कर रही है और बदले में हमको शैक्षणिक आरक्षण और आर्थिक आरक्षण के रूप में जो 100 रुपीज में से मात्र केवल 10 रुपये हम पे खर्च कर रही है। तो ये जो मतलब की चीज़ें मिल रही हैं हमको भीख में नहीं मिल रही है, हमारा जो मतलब की जमीन था, जो हमारी जो जल जंगल जमीन है, इसी का 100 में से 10वां भाग भी हमको नहीं मिल रहा है, चाहे वो ट्राइबल सब प्लान की बात हो, चाहे वो शैक्षणिक आरक्षण की बात हो, चाहे वो आर्थिक आरक्षण की बात हो। इनफैक्ट अगर बात करें कि अनुसूचित क्षेत्र में जो अन्य जाति के लोग हैं, ठीक है, अन्य जाति के लोग हैं वर्ग के आधार पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी वर्ग की बात कर रहे हैं, मैं कोई किसी जाति के बारे में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जब बात करता है आदिवासी गैर आदिवासी की बात करता है, या फिर संविधान अगर बात कर रहा है तो ST SC OBC जनरल की बात कर रहा है, किसी जाति विशेष की हम बात नहीं कर रहे हैं, आदिवासी और गैर आदिवासियों की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है तो वो शेड्यूल ट्राइब और नॉन शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में जब 100% जमीन आदिवासियों का है, 100% जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, गांव का सीमाना के अंदर की जितने भी चीजें हैं वो आदिवासियों की, खनिज के बारे में भी जजमेंट आया हुआ है कि आदिवासी क्षेत्र में, पाचन क्षेत्र में जो खनिज का अधिकार होगा, 100% जो अधिकार है वो आदिवासियों का ही होगा, तो उस खनिज का, उस जल जंगल जमीन का, उस भूमि का, ठीक है, उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से गवर्नमेंट कर रही है और बदले में 100 रुपीज़ का हमको 10 रुपीज़ ही हमारे शैक्षणिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण और जो मतलब आपका कहा जाए हमारा जो ट्राइबल सप्लान का पैसा है वो केवल 10% ही खर्च, 100% में से केवल 10% ही हमको वापस कर रही है। अगर ये चीज़ मतलब कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर ख़त्म हो जाता है तो 100 का 100 जो है, जो रेवेन्यू की बात करें, वो 100 का 100 रेवेन्यू हमको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आरक्षण बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए। आपका शैक्षणिक आरक्षण और आर्थिक आरक्षण बंद करने की बात होती है कि अब आरक्षण बंद हो जाना चाहिए, आरक्षण बंद हो जाना चाहिए। बहुत सारे वर्गों के बारे के माध्यम से ये बोला जाता, चिल्लाया जाता है कि आदिवासियों को आरक्षण बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, आप आरक्षण बंद कर दीजिए, बदले में वो जो आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी बंद हो जाना चाहिए, जो 10 साल का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप हमारा शैक्षणिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण बंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम मतलब कि फ्री का खा रहे, गवर्नमेंट हमको फ्री में दे रही है, नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। आप 10 साल के लिए जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल आरक्षण जो है हमने अपने माध्यम से देख के रखा हुआ है, वो भी बंद हो जाना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब बंद हो जाता है, पॉलिटिकल आरक्षण भी आप अगर रोक देते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे जो जल जंगल जमीन और खनिज है उस पर सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार हमारा ही हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये जो मतलब कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि नहीं आरक्षण बंद हो जाना चाहिए और हम मतलब कि डरते रहते हैं कि आरक्षण बंद हो जाएगा तो हमारा विकास बंद हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आरक्षण बंद हो जाए तब तो हमारे जो जल जंगल जमीन रेवेन्यू जो है उस पर एकाधिकार हमारा ही हो जाएगा और बदले में जो मतलब आपका कहा जाए कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ से जमीन नहीं ले पाएगी, हमारे यहाँ से जंगल पे अधिकार नहीं कर पाएगी, हमारे जो खनिज पे अधिकार नहीं कर पाएगी, तो ये 10-10 साल के माध्यम से, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, MLA MPs के माध्यम से ये हमारे रेवेन्यू को लेकर जा रही है और बदले में सरकार चला रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारी कुछ बातें हो चुकी है। एक क्वेश्चन आया था कि 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू क्यों नहीं है, ठीक है, 5वीं अनुसूची से लोग समझते क्या है, पहले मेरे को ये पूछना है, ठीक है। 5वीं अनुसूची एक प्रावधान है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि जो इंटेग्रल स्कीम की बात कर रहे हैं कि संविधान जब बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि आदिवासियों को भारत में शामिल होना पड़ेगा। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि ठीक है, हम आदिवासी भारत में मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हमको
ये चीज़ें चाहिए। तो जो करार हुए थे आदिवासियों के, हमारे जो बाप दादाओं के विरोध की वजह से पूरे देश भर में जो भील प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड प्रदेश हो, चाहे वो गोंड प्रदेश हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, सारे क्षेत्र के जो आदिवासियों के विरोध की वजह से जो स्पेशल प्रोविज़न दिए गए, आदिवासियों के लिए स्पेशल प्रोविज़न दिए गए, उसके अनुसार जो देश भर में विधायिका के माध्यम से चार तरह की विधायिका चल रहे हैं यहाँ पे देश भर में, ठीक है, वो है आपका निचली स्तर पे कहा जाए तो पंचायत, उसके ऊपर में है नगर निगम, उसके ऊपर में कहा जाए तो विधानसभा, और उसके ऊपर में कहा जाए तो लोकसभा। ये चार तरह की विधायिका देश भर में लागू है, ठीक है। दो तरह की विधायिका है सामान्य क्षेत्र में, अलग है पंचायत, नगर निगम, लोकसभा, विधानसभा, सामान्य क्षेत्र में अलग है। वही पांचवी अनुसूची की बात करें, 243 ZC 243 M आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे कह रहा है कि पंचायत तो हर जगह पे लागू होगा, आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं होगा। आदिवासी क्षेत्र मतलब अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। नगर निगम हर जगह पे तो लागू होगा, सामान्य क्षेत्र में लागू होगा, अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। लोकसभा विधानसभा भी हर क्षेत्र में लागू नहीं होगा, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं होगा। ये है पांचवी अनुसूची, ठीक है। कब लागू होगा ये लोकसभा विधानसभा नगर निगम विधानसभा नगर निगम पंचायत कब लागू होगा? जबकि प्रावधान लाए जाए। पांचवी अनुसूची के बारे में बता रही हूँ कि पांचवी अनुसूची है क्या, ठीक है। प्रावधान क्या होने चाहिए? ऐसे प्रावधान, ऐसे पॉलिसीज, ठीक है, पंचायत लागू करने की पॉलिसी, नगर निगम लागू करने की पॉलिसी, लोकसभा लागू करने की पॉलिसी, विधानसभा लागू करने की पॉलिसी, या प्रावधान जो कि आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, आदिवासियों के यहाँ पे जो कस्टमरी लॉ हो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता हो, आदिवासियों के यहाँ पे जो जमीन का कानून है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता हो, और जो लागू कानून है, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए जो लागू कानून है उसको नहीं नुकसान नहीं पहुंचाता हो, उसके अनुसार प्रावधान लाकर ही ये चारों के प्रावधान आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र में लागू होंगे, ठीक है। पंचायत के लिए पेशा प्रावधान लाया गया, 243 ZC और 243 M अगर हम पढ़ रहे हैं, बिना प्रावधान, कैसे प्रावधान जो कि आदिवासियों पे लागू कानून के खिलाफ में नहीं होने चाहिए, उनके रूढ़िगत ग्राम सभा के खिलाफ में, मुंडा मान के पटेल गमेती के खिलाफ में नहीं होने चाहिए। इस अनुसार आप प्रावधान लाएंगे लोकसभा विधानसभा पंचायत नगर निगम को लागू करने के लिए। ये करार है, कौन सा करार? फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर उसके पहले के, ठीक है। तो इस पे बाद में चर्चा करेंगे, काफ़ी सारे जो है आपके लाइफ में मैंने चर्चा भी किया हुआ है। तो ये चार प्रावधान जो है, पेशा प्रावधान लाया गया पंचायत लागू करने के लिए, जिस समय से केंद्र में पेशा प्रावधान लाया गया, नो डाउट केंद्र में लागू हो गया 1996 में, उसके बाद से जो पंचायत जो है पूरे देश भर में लागू हो गया, लेकिन राज्य राज्य के हिसाब से हर राज्य पेशा के प्रावधान लेके आएंगे अपने राज्य के हिसाब से, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके रूढ़ी प्रथा को ध्यान में रखते हुए पेशा प्रावधान बनाएंगे। मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, झारखंड में नहीं लागू है, गुजरात में बनाए गए हैं, राजस्थान में बनाए गए हैं, इस तरह का जो पेशा प्रावधान, बिना प्रावधान के पंचायत लागू नहीं होगा, ठीक है। नगर निगम के लिए क्या है? मेसा प्रावधान आने चाहिए। नगर निगम पूरे देश भर में इलीगल है, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम लागू है वह इलीगल है। क्यों? क्योंकि बिना प्रावधान आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभा, आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा, आदिवासियों के जो लागू कानून है उनको ध्यान में रखते हुए मेसा कानून नहीं लाया गया, इसलिए पूरे देश भर के जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उनके नगर निगम इलीगल हैं, ठीक है। पांचवी अनुसूची की बात करें, लोकसभा और विधानसभा को लागू करने के लिए पांचवी अनुसूची प्रावधान है। सीधी सी बात कि पांचवी अनुसूची का मतलब है लोकसभा और विधानसभा के कानून को लागू करने के लिए प्रावधान, ठीक है। चार तरह के प्रावधान, पेशा प्रावधान, मेसा प्रावधान और लोकसभा विधानसभा को लागू करने का प्रावधान, पांचवी अनुसूची प्रावधान, ठीक है। आजादी के पहले क्या था? एक चीज यहाँ पे हो सकती है, मतलब पांचवी अनुसूची के अनुसार आदिवासियों पे लोकसभा और विधानसभा के कानून लागू पड़ रहे हैं, कब से? 1950 के बाद से। लेकिन यहाँ पे शर्त है, शर्त भी वही है कि आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा, आदिवासियों के कस्टमरी लॉ, आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभा, आदिवासियों के जो है जो उस क्षेत्र में लागू कानून है, लागू कानून दैट मीन्स कि टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू कोड, अगर छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के टेनेंसी एक्ट दो तरह के होंगे, इसमें भी क्वेश्चन है, दो तरह के टेनेंसी एक्ट होंगे आपके। झारखंड में अगर 24 जिले हैं तो 13 जिले जो है अनुसूचित जिले हैं, यहाँ पे सीएनटी एक्ट
अलग तरीके से लागू होगा और 11 जो सामान्य जिले हैं वहाँ पे अलग तरह से लागू होगा। यहाँ पे मतलब कि जो अनुसूचित क्षेत्र जो है 13 जिले, यहाँ पे जो मतलब आपका CNT एक्ट लागू होगा, जमीन का कानून लागू होगा, वो 5वीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए लागू होगा, और सामान्य क्षेत्र में तो लागू है वो तो लागू है ही। इसी तरह के हर जो 10 राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र के टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू कोड है वो दो दो तरह के लागू होंगे, सामान्य क्षेत्र में अलग और आदिवासी क्षेत्र में अलग। तो इस तरह की चीजें हैं। 5वीं अनुसूची क्या है? लोकसभा और विधानसभा के कानून लागू करने के लिए आपका प्रावधान है, लेकिन वो प्रावधान कैसे लागू होंगे? आदिवासी के रूढ़ी प्रथा को बिना नुकसान पहुंचाते हुए, कोई भी कानून है बिना आदिवासी के रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ, या फिर कहा जाए कि आपका स्थानीय विधि है, वहाँ पे जो ग्राम सभा है वहाँ का जो 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 कानून लागू थे उन सबको ध्यान में रखते हुए वैसे कानून लागू होने चाहिए। साथ ही साथ 1950 के पहले के जो कानून हैं, ठीक है, 5वीं अनुसूची मतलब लोकसभा विधानसभा के पास में तो पावर आ गया कि आदिवासियों पे भी कानून बनाइए, लेकिन 1950 के पहले के कानून और 1950 के बाद के कानून, संसद और विधानसभा के, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश विधानसभा, भारत की संसद और भारत की विधानसभा के बने हुए जितने भी कानून हैं वो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति आयोग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा कमिश्नर है, कमिश्नर दैट मीन्स कमीशन है, उसके पास में पावर है कि हर तरह के कानून जो है पूरे देश भर के आदिवासी क्षेत्र और देश भर के आदिवासियों पर लागू होने के पहले जितने भी पॉलिसीज, जितने भी कानून है, आज़ादी के पहले के हो चाहे आज़ादी के बाद हो, वो पहले TS आपके अनुसूचित जनजाति आयोग में जाएंगे। वहाँ पर वो मतलब की चर्चा करेंगे कि ये वहाँ के आदिवासियों के लिए कितना लागू है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर वो राज्य और केंद्र का कानून जो है वो आदिवासी क्षेत्र में लागू होगा या फिर TAC में आएगा। अगर राज्य के माध्यम से लागू करना है, राज्य के अनुसूचित जनजाति या फिर राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना है, तो वो सारे 1950 या 1950 के बाद के कानून जो है वो पहले TAC में आएंगे। TAC में चर्चा होगी कि ये यहाँ के आदिवासियों के कितना हितकारी है और कितना अहितकारी है, तब जाके यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो ये सारी बातें कुल मिला के मैंने सारी बातें बता दी। आरक्षण का जो सच है कि हमको ये आरक्षण भीख में नहीं मिली है, जितनी जमीन हमारी उतना परसेंट आरक्षण हमारा, पूरे जल जंगल जमीन हमारी है, बोलते तो हैं हम कि जल जंगल जमीन हमारी है, हमारी है, अबुआ दिशम अबुआ रज, लेकिन कैसे ही हमको पता नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन है, जो झारखंड के 32 ट्राइब है इनका रिजर्वेशन है, या फिर राजस्थान के जो ट्राइब है उनका रिजर्वेशन है अनुसूचित क्षेत्र पे, वो इस प्रकार से है, 100% रिजर्वेशन इस प्रकार से है कि उस क्षेत्र पे उनका अधिकार है, उस क्षेत्र से वो बाहर जाते हैं तो वो अनुसूचित जनजाति नहीं रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 100% रिजर्वेशन की बात करें, नौकरियों में वो सारे जो है आरक्षण आदिवासियों के ही होने चाहिए। तो ये सारे प्रोविजंस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अनुच्छेद 334 में 10 साल का आरक्षण की बात कर रहे हैं, इससे लाभ या हानि की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में शामिल होना हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है, ये भी एक प्रश्न उठता है। पिछले दिनों जब हमारा आंदोलन चल रहा था, नो डाउट काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, लोग वोटिंग बहिष्कार भी कर रहे थे, काफ़ी मतलब कि बहुत ही हार्ड मुद्दा है, लेकिन 2 साल मैंने काफ़ी इस पर मंथन किया, तब जाके मुझे ये समझ में आया, इलेक्शन के बारे में समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट तो मैं पहले भी जा चुकी हूँ इलेक्शन को रोकने के लिए, इलेक्शन से हमको फ़ायदा तो नहीं हो रहा, ऊपर से हम पे कानून लागू हो रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि सारे के सारे लोगों अगर मतलब कि वोटिंग में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, मैंने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में गई कि महाशय आप ये जो चुनाव है इसको रोकिए, सुप्रीम कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट किया, लीगल तरीके से गई मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि वोटिंग में शामिल अगर एक भी आदिवासी, चाहे वो शेड्यूल एरिया का हो या फिर किसी राज्य का, एक भी आदिवासी अगर वोटिंग में शामिल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो केंद्र का और राज्य का कानून उस पर लागू पड़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर मतलब कि पूरे के पूरे राज्य में कोई भी अगर जैसे विधानसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, तो पूरे के पूरे अगर आदिवासी वोट नहीं देते तब जाके वो चीज़ कहलाएगा कि हाँ वहाँ पे आदिवासियों पे कानून लागू नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक भी आदिवासी वहाँ पे वोट देता है तो वहाँ पे वो कानून उन पे लागू पड़ेगा, राज्य का, केंद्र का, इस तरह की चीज़ें लागू पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड के खूंटी की ही बात करें, काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी और जिन लोगों ने कहा था उन लोगों से कहा था कि आप वोटिंग बहिष्कार कर दीजिए, अभी देख रही हूँ कि वही लोग वोटिंग में शामिल हो जा रहे हैं, हमारा नाम लेके बकायदा भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि वोटिंग में वोटिंग का बहिष्कार कर दो, दिस दैट ये वो
हमारा जो तरीका था हम लीगल तरीके से कोर्ट गए, तो वहां पे क्या है कि वोटिंग बहिष्कार करने से क्या हो गया कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, 80% मान लिया जाए कि 80% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन 20% लोगों में से कुछ लोगों ने नोटा दबाया। नोटा दबाने का मतलब कि हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया दैट मीन्स कि हम आमंत्रित कर रहे हैं कि ये जो कानून है, राज्य के कानून है, ये हम पे लागू पड़े, ये MLA हम पे लागू पड़े, ये MP हम पे लागू पड़े। साथ ही साथ बाकी के जो 10% ट्राइब्स हैं, ठीक है, उन्होंने अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद विचारधारा से अलग व्यक्ति इलेक्शन में शामिल होकर वहाँ पे आ गया, तो फिर विनाश फिर हमारा ही है। तो इसलिए जब तक मेरी समझ में ये आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन तो डाला हुआ ही है, ठीक है, सब की समीक्षा करते हुए पिटीशन तो डाला हुआ ही है, तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से लीगल तरीके से एक ऑर्डर नहीं आ जाता है लोकसभा और विधानसभा को रोकने का कि आदिवासियों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फिर जिस तरह की चीज़ें वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बीच में अगर वोटिंग का बहिष्कार किया जाए या फिर हमारे ट्राइब इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं और विचारधारा से अलग लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर नुकसान फिर आदिवासियों का ही है। तो इस पे काफ़ी मंथन करने की आवश्यकता है। मैं ज़्यादा सलाह नहीं दूंगी, मैंने अपना जितना भी मतलब की सोच था मैंने आपके समक्ष रख दिया, ठीक है, काफ़ी कुछ बातें हो गई हैं। कुछ पूछ रहे हैं, किसी के बारे में जानकारी पूछ रहे हैं, संविधान की भी बातें की जाए। हम तो भैया संविधान की बातों को मानते हैं, बाकी और किसी संगठन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सारी बातें हो चुकी हैं कुल मिलाकर। पॉलिटिक्स पे जो मेरा मत रहा था, मैंने पहले भी बता दिया है मैंने कि किस तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं और किस तरह की चीज़ें हैं, बाकी निर्णय आपको लेना है। इस पर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे हम। तो 10 साल के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि 10 साल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो बढ़ता गया उससे कहीं ना कहीं नुकसान हमको ही हुआ है। हम नहीं बोला कि आ बैल हमको मार, यही समीक्षा रही है हमारी, और आगे का क्या मतलब कि रणनीति हो सकती है तो उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए मेरा लाइव आने का मकसद पूरा हो चुका है। तो सबको जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी।